जनरल गीगा अकेडमी में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नमामि गंगे डीआरडीओ एंड सीबीएसई आपके लिए कमाल का कंपटीशन लेकर आई है। जो इंटरेस्ट रखते हैं म्यूजिक में, म्यूजिक कंपोजन में एंड आर्ट में एंड राइटिंग में, पोएट्री में, उनके लिए ये कंपटीशन है। तो ये कंपटीशन क्या है, सारी डिटेल्स जानेंगे हम इस वीडियो में। कालांतर ट्रस्ट प्रेजेंट इंडियाज बिगेस्ट आर्ट फेस्टिवल कालांतर 2021। देखिए इस कंपटीशन को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है पेंटिंग, फिर राइटिंग, म्यूजिक एंड सॉन्ग कंपोजिशन, प्ले एंड नुक्कड़ नाटक। तो इस कंपटीशन में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। देखिए सबसे पहले बात करते हैं पेंटिंग कंपटीशन की, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो उसमें जो ईयर 5 ईयर से लेकर, और जो इसकी एज लिमिट नहीं है, यानी 5 ईयर्स अबव कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। जो राइटिंग कंपटीशन है जिसमें पोइट्री इंग्लिश में है, उसमें 10 से लेकर और 10 ईयर्स से अबव के सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइटिंग पोइट्री हिंदी में भी 10 ईयर्स से अबव एज के सभी सिटीजन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी तरह स्टोरी इंग्लिश राइटिंग और स्टोरी हिंदी राइटिंग में भी 10 ईयर्स से अबव सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। म्यूजिक एंड सॉन्ग कॉम्पोजिशन में कोई भी 7 ईयर्स से जिसकी एज अबव है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और प्ले एंड नुक्कड़ नाटक में ईयर 5 से अबव कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इस तरह से इसको एज कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक बार आप जरूर ध्यान से इसे पढ़ लेंगे और देख लेंगे। अब देखिए पेंटिंग के, देखिए इसमें अलग अलग एज ग्रुप्स के हिसाब से इनको लिस्ट दी गई है। आप इस लिस्ट को एक बार जरूर रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे, रीड करेंगे। पेंटिंग में जो एज ग्रुप दिया गया है, कैटेगरी जो डिवाइड की गई है, 5 to 7 years, 7 to 10 years, 10 to 14 years, 14 to 18, 18 years+ एंड प्रोफेशनल, ये पेंटिंग के लिए है। राइटिंग के लिए जो होगा वो 10 to 14 years, इंग्लिश पोइट्री के लिए 10 to 14 years, 14 to 18 years, 18 years एंड 10, सिर्फ 18 years तक के। एंड राइटिंग हिंदी पोइट्री में 10 to 14 years, 14 to 18 years एंड 18 year+। इसी तरह इंग्लिश आप स्टोरी में देख सकते हैं 18 ईयर्स एंड अबव तक के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड राइटिंग हिंदी स्टोरी में भी और म्यूजिक कॉम्पोजिशन में बिलो 18 ईयर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। म्यूजिक कॉम्पोजिशन में 18 ईयर+ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्ले एंड नुक्कड़ नाटक कोई भी एज का पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आप इसे एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे, अपने एज के अकॉर्डिंग आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी एज और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। अब पेंटिंग जो इसमें जो डेट्स का जो टाइमलाइन क्या होगी, उसका शेड्यूल क्या होगा। देखिए सबसे पहले पेंटिंग की बात करते हैं, उसका जो फर्स्ट स्टेज है यानी 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट होगी रजिस्ट्रेशन की। और जो फर्स्ट स्टेज होगा पेंटिंग का वो 9 से लेकर 20 अक्टूबर तक होगा, और जिसका रिजल्ट आएगा आपका 25 अक्टूबर तक। इसी तरह जो सेकेंड स्टेज होगा वो 30 से लेकर आपका 7 नवंबर तक होगा, जिसका रिजल्ट जो कि फाइनल रिजल्ट होगा 14 नवंबर होगा। राइटिंग की बात करें तो 9 to 20 अक्टूबर होगा एंड 25th आपका जो होगा रिजल्ट आएगा, और फिर इसी तरह सेकेंड स्टेज और उसका रिजल्ट होगा। इसी तरह लिरिक सिंगिंग एंड म्यूजिक का भी आप देख लेंगे क्या क्या इसमें डेट होंगी। एक्टिंग एंड ड्रामा एंड प्ले का भी इसमें दिया गया है। और अगर आपको ज्यादा जानकारी की जरूरत है तो आप देखिए यहाँ पर इसका फेसबुक पेज दिया गया है, आप यहाँ से और इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसका भी आपको यूट्यूब लिंक दिया गया है, आप इसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ इनको ज्वाइन कर सकते हो। अब इनके टॉपिक या थीम क्या है, सबसे पहले हम पेंटिंग की बात करेंगे। देखिए इसमें थीम भी आपको 4 दी गई है और एज के अकॉर्डिंग दी गई है। 5 to 7 ईयर्स के जो हैं उनको जो उनकी थीम होगी वो एक ही थीम होगी, खुशियों के रंग त्योहारों के संग। और जो 7 to 10 ईयर्स है उनके लिए 4 थीम्स दी गई हैं। आप एक कोई भी थीम को सेलेक्ट करके और उस पर अपनी पेंटिंग ड्रॉ कर सकते हैं। ये 4 थीम्स आपको दी गई हैं, मेरे देश की धरती, सोना उगले, डॉल्फिन, बायोडायवर्सिटी ऑफ गंगा, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट पीपल एंड धरती, जल, आकाश, सबका सुरक्षा कवच हमारे पास। तो इसी तरह से अलग अलग एज के अकॉर्डिंग अलग अलग 4 4 कैटेगरीज दी गई हैं। आप किसी एक को इसमें से सेलेक्ट कर
कर सकते हैं। इसी तरह इंग्लिश स्टोरी राइटिंग कंपटीशन के लिए भी अलग अलग 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। आप कोई भी एक सेलेक्ट करके राइटिंग में भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 थीम्स आपको दी गई हैं। कोई भी एक आप अपनी एज के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके और उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब थीम्स की बात हिंदी स्टोरी हो गई। अब इसके बाद आप देखिए इंग्लिश पोइट्री राइटिंग कंपटीशन की ये थीम हो गई। अब ये सब इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से इसे सारा एक बार जरूर रीड करेंगे। इसी तरह आप म्यूजिक एंड सॉन्ग कॉम्पोजिशन का भी देख सकते हैं कि थीम क्या होगी। ड्रामा एंड नुक्कड़ नाटक की अभी आप थीम देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब आप इनके इसमें एंट्री कैसे करेंगे और इसको फॉर्म को कैसे सबमिट करेंगे, देखिए इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा। इसकी कालांतर आर्ट की वेबसाइट है, उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। आप वहां जाकर आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और अपनी एंट्री यही सबमिट करनी होगी। देखिए टॉपिक्स के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं, लॉग इन पेज का ये रहा आपका, और इवेंट अगर आपको चाहिए, इवेंट शेड्यूल क्या है, तो आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। ये कालांतर की वेबसाइट है। तो सबसे पहले आप लॉग इन पेज, गो टू लॉग इन पेज क्लिक करेंगे और आपकी वेबसाइट, आपकी लॉग इन पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आपको सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी। जैसे ही आप लॉग इन पेज पर क्लिक करेंगे, आपके पास अगर आप न्यू यूजर हैं तो न्यू यूजर पर क्लिक करके और अपनी सारी डिटेल्स फिल करके, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एंड मोबाइल नंबर आप फिल करके और इसको साइन अप कर देंगे और फिर लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद और आप इसमें किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी भी कैटेगरी में पार्टिसिपेट करने से पहले आप इसकी टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से आप एक बार रीड कर लेंगे। जब आप लॉग इन करेंगे तो आप उसके पास एक सेल्फ का ऑप्शन होगा और एक होगा रजिस्टर फॉर अदर्स। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो सेल्फ पर क्लिक करेंगे और नहीं तो फॉर अदर्स के लिए आप क्लिक कर सकते हैं। और अब आप देखेंगे कि इसमें अलग अलग आपको सारी डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं, किस तरह से आप किसी भी फॉर्मेट, अगर आप पेंटिंग सबमिट कर रहे हैं तो पेंटिंग आपकी सिर्फ जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए, कोई अदर फॉर्मेट में नहीं होनी चाहिए और 5 MB से ज्यादा साइज नहीं होना चाहिए। इसी तरह म्यूजिक एंड ड्रामा के लिए आप गूगल ड्राइव से उसे शेयर करेंगे। इस ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी दी गई है, इस ईमेल आईडी पर गूगल ड्राइव से आप शेयर करेंगे लिंक को। और इसी तरह से आप और जो कैटेगरीज नुक्कड़ नाटक है और ये है, इसमें कुछ लिंक भी दिए गए हैं आपको और इससे आप अच्छे से जान सकते हो। जो म्यूजिक और ड्रामा है आपका, उसकी लेंथ वीडियो की वो 3 मिनट से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, सॉरी 3 मिनट से कम की नहीं होनी चाहिए और 5 मिनट से एग्जिट नहीं होनी चाहिए और सिर्फ वो MP फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। और सारी आप देख सकते हैं, इसमें लिंक दिए गए हैं, ये आपके facebook.kalantar एंड youtube.kalantar। तो आप यहाँ जाकर आप इसमें और सारी डिटेल्स जान सकते हैं। इसके लिए सबमिट करने के लिए आपको, आप साइन इन करके और अपना इसको कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आप इसके फेसबुक पेज और उस पे यूट्यूब पर जान सकते हैं। तो इस तरह से आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करिए। एक अच्छा कंपटीशन है, कमाल का, फ्री ऑफ कॉस्ट है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और हर एक एज ग्रुप के लिए है। और इसमें जो प्राइजेस होंगे, आपको एक्साइटिंग प्राइजेस आपको मिलेंगे, तो आप इसमें पार्टिसिपेट जरूर करिए। कोई क्वेरी है तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, ऑफिस का नंबर दिया गया है, आप वहां से क्वेरी पुटअप कर सकते हैं। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।